अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मतीम पेंटर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त पेंटर मतीम कुरैशी। दोस्तों, आज मैंने फाइनली अपना आरआरसी सेंटर का वर्क पूरा कर दिया है और हमारे ज़िला बरेली के मीरगंज में ये बहुत ही बेहतरीन आरआरसी सेंटर बना है जो पूरे ज़िले में नंबर वन में पास हुआ है। इसकी बनावट बहुत अच्छी है और इसमें काम जो हुआ है सरकार के मानक के हिसाब से हुआ है। तो इसके साथ में हमारी जो पेंटिंग हुई है, अधिकारियों ने हमारी पेंटिंग भी आपकी दुआ से नंबर एक में पास की है और उम्मीद करता हूँ आपको भी हमारे द्वारा की गई यहाँ पर पेंटिंग बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मैंने यहाँ पर किस तरह से वर्क किया है, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने 10-15 दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। तो चलो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यह सबसे ऊपर मेन बोर्ड है, कूड़ा निस्तारण केंद्र। बहुत सी जगह लोग कुछ लिख रहे हैं। सही बोर्ड जो है ये है, क्योंकि यहाँ पर कूड़ा पड़ेगा अलग अलग तरीके का, इसलिए इसका नाम जो है कूड़ा निस्तारण केंद्र है और ग्राम पंचायत का नाम है। इसके नीचे हमने ये तीन डब्बे बना दिए हैं, एक में सूखा कूड़ा, एक में गीला कूड़ा, एक में मेडिकल वेस्ट, और लिख दिया है क्या आप कचरे को सही ढंग से अलग करते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या आप कचरे को सही ढंग से अलग कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हमने ये बोर्ड लिख दिया है, इसमें हमने लिखा है आपका हार्दिक अभिनंदन है ग्राम पंचायत सिंधौली, ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता कश्यप जी, पत्नी श्री मुकेश कश्यप जी, सचिव श्री गजेंद्र वर्मा सर। और यहाँ पर हमने तिरंगा बना के इस कॉलम पे लिख दिया है बिना आज्ञा बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। इधर हमने लिख दिया है सावधान, किसी भी कर्मचारी को डराने धमकाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और अब हम आपको फाइनली पूरा बोर्ड दिखाते हैं बाहर का एरिया ये कैसा दिखता है जो हमने तैयार किया है। तो फाइनली ये बाहर का मेन ऐसे दिख रहा है। अभी इस गेट के ऊपर एक बोर्ड और लगने वाला है, उस बोर्ड को भी मैं पेंट करूँगा। ये पूरा ऐसे दिख रहा है मेन फ्रंट, और इसकी साइड में पांच दीवारें हैं, पांच दीवारों पर भी मैंने पेंटिंग की है। तो इधर लोगों के जो कूड़ा कचरा डाल दिया है, ये केचुआ बना दिया है, आओ केचुआ खाद अपनाए जीवन को स्वस्थ बनाए। केचुआ इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर केचुआ खाद बनेगी। यहाँ पर हमने क्लीन इंडिया एक कदम स्वच्छता की ओर लिख दिया है, और दोस्तों स्किप ना करें, अंदर की वीडियो बहुत शानदार है होने वाली है। अभी यहाँ पर मैंने लिख दिया है अवॉइड प्लास्टिक, प्लास्टिक मुक्त भारत, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के दिल गुर्दे फेफड़े सब दिखा दिए मैंने इसमें। देखिए आप कैसे लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। इधर ये लिखा है क्लीन इंडिया, ये पूरी दीवार ऐसे है। यहाँ पर एक कूड़े का डब्बा बना के लिख दिया मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी। बीच बीच में दोस्तों मैंने ये तिरंगे भी निकाले हैं इनमें, ये देखिए आप इन तिरंगों का तो अपना एक अलग ही लुक आता है। और इधर लिख मैंने स्वच्छ भारत मिशन का लोगो बना दिया है। फाइनल में ये दीवार की लंबाई 71 फिट है, ये देखिए इसमें 5 पेंटिंग आ पाई हैं, ये पूरी दीवार 71 फिट है। अब मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ। ये ऊपर का हिस्सा ऐसे देखो दोस्तों, ये ऊपर टीन लगी है और यहाँ पर जाल भी लगा हुआ है, जाल पे भी पेंट हुआ है, चारों तरफ से इसमें जाल लगाया है। इसकी बनाई जो है वो बहुत शानदार है। तो अब हम अंदर पहुँच रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली दीवार एक कूड़े का डब्बा बना के, और मैंने लिखा कूड़े कचरे का हो खात्मा, यही कहे भारत की आत्मा। लोग कई जगह की पेंटिंग में देख रहा हूँ लेकिन वो बहुत तेज़ी से चलाते हैं जिसकी वजह से लोग पढ़ नहीं पाते हैं कि उसमें लिखा हुआ क्या है। और ये देखिए आप, सभी लोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। और ये पेंटिंग बना दी है, बहुत से पेंटर भाई अपने ये कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी पेंटिंग बना देंगे स्लोगन छोटा सा। तो आप ध्यान दें कि मेन पॉइंट जो सरकार का है वो स्लोगन का है, ये जो स्लोगन लिखे हैं। पेंटिंग आप छोटी सी बनाएं इस तरह से तो आप देखना कितनी अच्छी लग रही है। सरकार का मतलब है संदेश देना, कि सरकार हमें संदेश क्या देती है, उस संदेश को हमें बड़ा करके लिखना है ताकि लोगों को दिखे और समझ में आए।
अब यहाँ पे लिखा है सबको देनी है ये शिक्षा, पर्यावरण की करो सुरक्षा। ठीक है, तीसरा स्लोगन हमने यहाँ पर लिखा है, हम सब ने ये ठाना है सिंदौली स्वच्छ बनाना है। आप चाहें तो सिंदौली गांव स्वच्छ बनाना गांव भी लिख सकते हैं। इधर हमने लिख दिया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, प्लास्टिक हटाओ देश बचाओ, और एक थैला बना दिया है। तो ये पूरी दीवार की लंबाई जितनी बाहर है उतनी अंदर है, ऐसे करके देखिए आप, ये पूरी अंदर से मैंने बनाई है। अब इस दीवार के बीच में ज़रा पेंटिंग थोड़ी दूर से दिखाई नहीं देगी, ऐसे दिखाना पड़ेगी, जगह जो है कम है इधर बीच में वीडियो बनाने। तो यहाँ पर हमने ये स्वच्छ भारत लिख दिया है और ये नक्शा बना दिया है कार्टून का। अब एक तरफ हमने ये लिखा है, आओ एक कदम बढ़ाएं सिंदौली को स्वच्छ बनाएं, ये एक स्लोगन हो गया। मेन ध्यान रखें, मेन स्लोगन ही है, आपको स्लोगन जितने अच्छे लिख मिले उतना अच्छे लिखें। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है, मेरा गांव मेरी शान स्वच्छ 2023 सिंदौली, स्वच्छ सिंदौली 2023, और पृथ्वी का नक्शा बना दिया है। अब धरती का चित्र बना के धरती के बराबर में हमने एक स्लोगन लिखा है कि धरती माता करे पुकार, आसपास का करो सुधार। इस तरह से इसकी लंबाई लगभग ये यहाँ से वहाँ तक है 30 फीट, इसकी लंबाई अंदर की 30 फीट है करीब। और एक ये स्लोगन लिख दिया है बढ़िया करके, ये नक्शा बनाया है, मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। तो ये स्लोगन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब थोड़ा मैं आपको ये वाली पेंटिंग दिखाता हूँ, इसमें ये कचरे का डिब्बा है, कचरे के डिब्बे पे क्लीन सिंदौली, मैंने लिखा है बूढ़े बूढ़े बच्चे बूढ़े सबका कहना, गंदगी को है दूर भगाना। ये देख लीजिए आप। अब इसके बाद में एक स्लोगन और है, ये स्लोगन लिखा है मैंने, विकसित हो राष्ट्र हमारा, स्वच्छ हो सिंदौली हमारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये टंकी लगी है तो जल ही जीवन है, ये लिख दिया है मैंने। और ये शौचालय है, इस पर लिखा है स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता अपनाएं बीमारी भगाएं, एक कदम स्वच्छता की ओर। और इधर एक स्वच्छ भारत, शौचालय का उपयोग मिटे गंदगी भागे रोग। अब इधर ये काफ़ी बड़ी दीवार है तो इस पर पेंटिंग भी मैंने बड़ी सी बना दी है, ये देखिए आप, ये इस तरह से बनाई है, स्टॉप प्लास्टिक यूज, प्लास्टिक हटाओ बीमारी भगाओ। और यहाँ पर एक ये बना दी पेंटिंग, गोबर से बल्ब जलाएं, गोबर से गैस बनाएं। अब इधर की दीवार आप देखें पूरी, तो मैं आपको पूरा एरिया दिखाता हूँ मैंने किस तरह से किया है। और वीडियो को इसी तरह से दोस्तों बनाया करें, हाँ ये पूरा एरिया इस तरह से है, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको नाडेप दिखाता हूँ, ये तो 4 हौजियाँ जो बनी हैं बर्मी कंपोस्ट की हैं, बर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद। ये देखिए मैंने इन चारों पे बर्मी कंपोस्ट लिखा है, ये लिख दिया ऐसे करके, देखिए आप, आपको देखने में काफ़ी आकर्षित लगता होगा। और इधर से मैंने ये फूल पत्ती बना दी है। अब इसकी पल्ली साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने कैसे किया है, इस साइड में मैंने एक तरफ पे लिख दिया है स्वच्छ भारत, देखिए अच्छे से देख लीजिए आप, और ये पेंटिंग ऐसे देखिए आप। और इधर ये फूल पत्ती बना दी है दोनों तरफ सजा दिया है। अब आपको मैं नाडेप दिखाता हूँ, ये नाडेप के 3 कॉलम हैं, 1, 2, 3, इन तीनों में अलग अलग चीज़ें पड़ेंगी। गमला बना दिया एक तरफ, कांच बोतल जो शीशे होते हैं टूटे फूटे वो इसमें डाल सकते हैं, इसका नाम है सामुदायिक नाडेप। लोहा टीम, जो टूटा फूटा लोहा लंगड़ होता है वो आप इसमें डाल सकते हैं अलग करने के लिए। और सरकार द्वारा यहाँ पर सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे जो इनको अलग अलग करेंगे। और ये रहा कागज़ और गत्ता इसमें डालने के लिए, इसमें आपके ये जो है इनमें खाद पड़ेगी, खाद बनेगी। अब ये है मेडिकल वेस्ट, ये मेडिकल वेस्ट जो है इस पे मैंने फूल पत्ती बना के
ऊपर से भी कुछ डिजाइन कर दी है। इधर से मैंने इसमें स्वच्छ भारत लिख दिया है और इधर लिख दिया है एक कदम स्वच्छता की ओर। ये पूरा ऐसा है, देखिए आप, पीला पेंट करके और ऊपर ये डिजाइन बना हुई है और ये स्वच्छता ही सेवा है पूरा लिख दिया है। अब इधर दिखाते हैं आपको, इधर लिख दिया मैंने मेडिकल वेस्ट। अब ये अंदर से इसकी बनावट देख लीजिए, अब ये कैंचियाँ बनी हुई हैं, बड़ी शानदार कैंची, इन पर मैंने पेंट करवाया है, ये ब्लू कलर का पेंट बहुत बढ़िया लग रहा है इस पर। ये पूरा ऐसे है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।